बालाघाट जिले के दक्षिण बैहर क्षेत्र में बिठली मार्ग पर लूद जलाशय के पास एक नीलगाय घायल अवस्था में तालाब के किनारे झाड़ियों में छिपकर बैठी है, जिसकी कुछ तस्वीरें बीजीटी न्यूज को प्राप्त हुई है। बताया जा रहा है कि बीते 3 दिनों से यह नीलगाय लूद जलाशय के पास भटक रही है, जिसके एक पैर में गोली लगने के निशान भी दिखाई दे रहे है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक फॉरेस्ट विभाग के किसी भी बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं हुई। बीते 2 दिनों से ग्रामीणों के द्वारा रेंज ऑफिस में सूचना भी दी जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी नीलगाय की सूद नहीं ले पा रहा है। लोगों ने बताया कि हमलावरों से बचने नीलगाय पानी में कूद गई थी, जिसके बाद वह गांव के किनारे पहुंच गई। इस कारण लोगों की नजरें पड़ने की वजह से हमलावर उसका शिकार नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में लोगों ने यह भी मांग की है कि तत्काल घायल नीलगाय को इलाज मुहैया कराकर जंगल में छोड़ा जाए।